विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शिक्षा खंड संगदाह में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ओलंपिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा खंड संगदाह एवं ददाहू खंड के करीब 25 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। बीआरसीसी मायाराम शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन इन दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। इससे इन बच्चों की हौसला अफजाई होती है तथा ये इन बच्चों के विकास के लिए अति आवश्यक है। उधर अटल सदन कुल्लू में विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष बच्चों द्वारा पेंटिंग, चेस, म्यूजिकल चेयर रेस, रस्सी कूद प्रतियोगिताओं के साथ शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर यहाँ पे जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हमारे जिला कुल्लू में विकलांगता के क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड है, एनडी हिमाचल है, आश फाउंडेशन है, लव चेतना है। तो ये सब एनजीओज और इनके पास जितने भी बच्चे इन एनजीओज के पास हमारे स्पेशल चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर दी। और जो सरकार द्वारा इस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों के साथ साझा करी गई। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जो दिन है, ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम इन स्कीम्स को सब लोग तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आईसी इनके बारे में लोगों में करें, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास इनके बारे में जानकारी हो। और ये ज़रूर मदद करेगा हमारे स्पेशल बच्चों को, विकलांगों को, उनकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के अवसर जो है वो महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। सर, कुछ इक्विपमेंट भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमारे यहाँ पे कुल्लू में एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है और इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के थ्रू हम लोग अक्सर बहुत सारे विकलांगों के लिए, चाहे वो उनके लिए इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट्स हों या चाहे वो व्हीलचेयर्स हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए हियरिंग एड्स हैं या आर्टिफिशियल लिम्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। सो रूटीन प्रक्रिया में जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं। उनमें से कुछ लोगों को आज यहाँ पे भी ये सब इम्प्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बट अदरवाइज जो है ये हमारी रूटीन की प्रक्रिया है। और ऐसा कोई भी बेनिफिशरी हो जिनको इस तरह की किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो हमारे कंसर्न तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर्स, तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स या हमारे रेड क्रॉस में संपर्क कर सकते हैं, सो दैट इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हम उन लोगों की मदद कर सकें। सर, वेदर की बात कर। वहीं हिमाचल दिव्यांग कल्याण सभा द्वारा संयुक्त कार्यालय भवन सरकाघाट में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में SDM सरकाघाट राहुल जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अधिकारी ने आप अपने जो प्रशासन की और शासन की तरफ से सहायता दिव्यांगों को दी जाती है उसके बारे में विस्तार से आपको बताया। और भी कोई आप समस्या हो, दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाना है या कोई और आपकी मांग है या जो सरकार की तरफ से हमें दिव्यांगों को जो सहायता मिलती है उसके विषय में उन्होंने कल्याण विभाग वालों ने प्रकाश डाला। और भी आपको कोई दिव्यांग लोगों की हमारी जो समस्या, हम सरकार को तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप अपनी जो समस्या से जूझते हैं, आने जाने की समस्या है, बसों में सफ़र की समस्या है, आपको हमें दिव्यांगों को जो सरकार की तरफ से आने जाने की व्यवस्था है, बस पास की सुविधा है, वो हम चाह रहे हैं कि देश के बाहर जैसे कोई दिव्यांग है जिसको PGI चंडीगढ़ जाना है, एम्स दिल्ली में जाना है, वहाँ तक ये व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए, बस पास की उन्हें सुविधा होनी चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं से दो चार होते हैं उससे रूबरू होते हैं। तो अब मैं दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर, कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी और सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट।